बट ऑबियस कि यहां पर आप बेहतर कर भी रहे हैं ठीक है ना तो चलिए मैं आप सभी को यहां पर बताना चाहूंगा जल्दी से यहां पर हाँ पहले यहाँ पर कुछ एरर्स थे कुछ मिस्टेक थे बच्चे यहाँ पर संदीप सभी को यहाँ पर सबसे पहले गुड मॉर्निंग यार प्राजक्ता गुड मॉर्निंग संदीप गुड मॉर्निंग रिम्पा गुड मॉर्निंग सभी को यहाँ पर मेरा प्यार वर सलाम और शुरू करते हैं आज का पर्टिकुलर हमारा यहाँ पर ये यह, रीजनिंग का पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जिसमें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास आपके एक मॉक टेस्ट की चलिए तो शुरू करते हैं यहां पर पहला टेस्ट पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं ज्यादा बात ना करते हुए क्योंकि यहां पर वैसे ऑलरेडी लेट हो चुका है चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन यार गुड मॉर्निंग एवरीवन चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आंसर बताइए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए सेशन को शेयर करने का समय तो नहीं है आज लेकिन फिर भी बीच में जहां मिले सेशन, सेशन को शेयर कर देना बच्चे बस ठीक है ना इस सेशन को शेयर कर देना ठीक है ना चलिए जल्दी पहले क्वेश्चन को यहां पर आप खत्म करिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहे है आपसे बोथ आर फॉलोअ चलिए यहां पर कुछ लोग आंसर यहां पर आ रहे हैं प्राजक्ता जी का सबसे तेज आंसर यहां पर मैं देख पा रहा हूं यहां पर बोथ आर फॉलोअ का ठीक है ना प्रिया कसोना जी बच्चे गुड मॉर्निंग बच्चे ठीक है ना पेपर पेपर आपका शायद कल था पेपर बढ़िया रहा होगा ठीक है ना तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं जो पहला इससे क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है बिल्कुल आसान से क्वेश्चन जिसमें कहा हुआ है क्या देखिएगा क्या यहां पर कह रहा है डी इजिक्वल्स टू ई ग्रेटर इजिकल्स टू एम लेसर ए इजिक्वल्स टू जी ठीक है यही कहा हुआ है यहां पे यही कहा हुआ है फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या कॉमा लगा करके कॉमा लगा के दूसरा इक्वेशन शुरू कर दिया है एफ लेसर इज टू एम ग्रेटर equals टू एन के बाद यहां पर उसने क्या कहा है के बाद उसने यहाँ पर क्या कहा है कॉन्क्लूजन के बाद उसने यहां पर क्या कहा है कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन की बात अगर करी जाए यहां पे तो एन लेसर इजिक्वल टू डी पहला और दूसरा यहां पर कहा है उसने क्या जी ग्रेटर एफ तो सिंपल सी बात है यार एन से डी जाना है एन कहां पर दिख रहा है, बच्चा, यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है और डी कहां पर दिख रहा है कॉमन यहां पर कौन है बिल्कुल मैं बता दू यहां पर कॉमन यहां पर कौन है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में कॉमन जो है एम है कौन है यहां पे बच्चे एम तो आपको एन से डी जाना है तो पहले एन से कहा एन से जब आप एम आओगे तो ये कौन सा लेसर इक्वल रख दिया फिर एम से डी आना है तो एम से डी आने के लिए पहले एम से ई e आओगे क्या मिलेगा लेसर इक्वल मिलेगा उसके बाद फिर क्या मिल जाएगा इक्वल तो देखो यहां पे आपको एम एन से लेकर के डी तक बच्चा आने के लिए यहां पर कितने सिंबल का सामना करना पड़ा लेसर इक्वल लेसर इक्वल और इक्वल तो इन तीनों में सही क्या होगा लेसर इक्वल तो लेसर इक्वल पहला वाला बिल्कुल सही है आप यहां पर बिल्कुल सही है दूसरे की बात यदि करी जाए दूसरे की बात यदि यहां पर करी जाए तो दूसरा यहां पर क्या बोल रहा है दूसरा कह रहा है जी से एफ तक जाना है तो जी से एफ तक जाना मतलब यहां से जी से आपको इस एफ तक जाना है तो यहां से यहां जाने के लिए कॉमन कौन बन रहा है एम कॉमन बन रहा है तो पहले कहा जाएंगे जी से पहले ए जाएंगे तो क्या मिलेगा बराबर क्या मिला बराबर फिर ए से जब एम जाओगे तो क्या मिलेगा बच्चे यहां पे ग्रेटर लिख दिया ग्रेटर अब एम से कहा चले जाओ एम से एफ में चले जाइए तो एम से जब एफ में जाओगे तो यहां पर क्या मिलेगा बच्चा ग्रेटर इक्वल तो बताइए इन तीनों सिंबल में प्रायोरिटी किसको मिलती है इन तीनों सिंबल में प्रायोरिटी किसको मिलती है आप जी से एफ तक गए हैं आप जी से पहले ए पर आएंगे ए से फिर एम आएंगे और एम से कहां पर आएंगे एफ पर आएंगे ये बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है और तीनों सिंबल में प्रायोरिटी किसको मिलेगी ग्रेटर और यहां पर क्या लगा हुआ है ग्रेटर मतलब दोनों यहां पर क्या है सही है डन well जवाब बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त जिसका आंसर था यहां पर दोनों सही है वो बिल्कुल यहां पर बच्चे क्या है सही है यहां पर प्राजक्ता जी का कहना है कि मेरा एल असिस्टेंट प्री क्लियर हो गया कल एक रिजल्ट आया है आई प्री एल आई का

और जितने लोगों ने यार अभी तक यहां पर शेयर ना किया शेयर एक बार कर देना और लाइक डिसलाइक तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ठीक है ना तो यहां पर बिल्कुल एक एक बार बार सभी से से चाहूंगा जल्दी लाइक कर दी सेशन को ताकि यहां पर आगे और आपको मनोबल मिल सके मिल पड़े और अप्रिशिएशन हमको यहां पर मिले जल्दी करेंगे क्लास जल्दी करेंगे जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा यहां पर सभी लोग यहां पर बधाई देते हैं एक दूसरे को बहुत बढ़िया ग्रुप है ये जहां पर लोग कहीं ना कहीं अपना पन समझ एक दूसरे को बधाई देते हैं बहुत बढ़िया शानदार अच्छा लग रहा है देखने में में पे <coughs> तूफान का नेता आ चुके हैं राइट के साथ चलिए संदीप का आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए संदीप का आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए लेट्स यहां पर क्या होगा आंसर जल्दी बच्चा बहुत बढ़िया यहां पर यहां पर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे सभी लोग चलिए यहां पर सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दे क्या है क्वेश्चन यहां पर इस बार कह रहा है क्या इस बार क्वेश्चन पर ग्रेटर आर ए लेसर एस जल्दी से सॉल्व करना है पहला वाला क्या बोल रहा है बच्चा पी ग्रेटर इक्वल टू आई दूसरा वाला क्या बोल रहा है सर यहाँ पे कह रहा है एस लेसर यहां पर आर तो जल्दी से बताना है यहां पर कि P से I के लिए क्या हो जाएगा तो P से जब I की तरफ बढ़ोगे तो क्या मिलेगा पहले ग्रेटर फिर ग्रेटर इक्वल फिर इक्वल तो जब ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल मिलता तीनों में प्रायोरिटी मतलब तीनों में सही किसे माना जाता है बच्चा ग्रेटर और यहां पर क्या ग्रेटर इक्वल मतलब यहां पर ये यह क्या हो गया कांट से मतलब क्या हो गया रॉन्ग ठीक है ना अब बात करें यहां पर एस से आर जाने की तो एस से आर यदि आपको यहां पर जाना है तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि आप यहां पर कैसे आ जाएंगे ऐसे आ जाएंगे अब तो कॉमन सेंस काम भी करने लगा हो गया ठीक है ना तो आप जब एस से आर की तरफ जाएंगे तो पहले क्या मिला आपको ग्रेटर फिर जब ओल्ड फिर गए फिर क्या मिला इक्वल और फिर जब ए से आर की तरफ गए तो क्या मिला आपको लेसर इक्वल ए से जब आर की तरफ गए तो क्या मिला छोटा बराबर तो ये बराबर. तो ये छोटा बराबर दोनों यहां पर क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट हो गया मतलब कांड से मतलब दोनों क्या हो गए गलत हो गए दोनों क्या हो गए यहां पर बच्चे गलत हो गए यहां पर तो दैट्स वाई आप बिल्कुल यहां पर यह बात देख पा रहे हो कि दोनों ही यहां पर क्या हो जाएंगे रॉन्ग नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड बिल्कुल यहां पर क्या है बच्चे सही होगा यहां पर ठीक है ना तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन तरफ यहां पर क्या होगा इसका आंसर चलिए जल्दी बताइएगा जल्दी करिए जितने लोग यहां पर सेशन को देख रहे हैं लाइक करना बिल्कुल ना भूलें यहां ठीक है ना चलिए आप बाबन लोग जो देख रहे हैं बस आप ही लाइक कर दो बाकी की जरूरत नहीं है हमें यार बाकी की जरूरत ही नहीं है यार ठीक है ना चलिए जल्दी से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए बताइए आंसर यहां पर क्या होगा बच्चा वेरी गुड जल्दी बेहतर है जल्दी 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 से यहां पर यार तीस लाइक यहां पर क्या बोला हुआ है यहां पर जल्दी से बाकी यहां पर करें छब्बीस लोग यहां पे ठीक है ना चलिए यहां पर नेक्स्ट कह रहा है क्या नेक्स्ट कह रहा है यहां पर बच्चा क्या आपका बी ग्रे लेसर देखते सात क्वेश्चन उड़ाना है यार टाइम तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है देखते सात क्वेश्चन को उड़ाना है टाइम लगाना नहीं है ठीक है ना यही मंत्र होना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन का इस बार की थीम क्या है बीपीएस की यही है देखते सात क्वेश्चन उड़ाना है ठीक है ना तो चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं क्या होगा यहां पर आंसर तो जल्दी से मैं देख पा रहा हूं यहां पे क्या नीदर शिवानी मुख्य काया ओनली फर्स्ट वेरी गुड बच्चा शिवानी मुख्य काया ओनली फर्स्ट बहुत बढ़िया शानदार देखिए बच्चे यहां पर क्या करते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये जानने के लिए समझिएगा यहां पर कहता है आपको एन से एल जाना है मतलब बच्चा ये क्वेश्चन दिया है एक दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर दूसरा ये दोनों एक दूसरे से यहां पर अटैच किसके द्वारा होंगे कॉमन कौन है बच्चा ओ कॉमन है ठीक है ना तो यहां पर एन से एल अगर जाना है तो पहले कहां जाना पड़ेगा एन से ओ जाना पड़ेगा एन से ओ जाने के लिए कौन सा चिन्ह मिला आपको सिंबल मिला ग्रेटर मिला ओ से जब एल जाओगे फिर से क्या मिला ग्रेटर तो बच्चा यहां पर ग्रेटर और ग्रेटर में प्रायोरिटी किसको मिलेगा ग्रेटर को मिलेगा और यहां पर क्या सही होगा ग्रेटर सही होगा ठीक है ना फिर अगर बात करते हैं तो टी से एन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर से क्या फिर यहां पर टी से ओ तो आपको क्या मिल गया पर टी से जब ओ तो ग्रेटर मिला ना से तो, तो वहां पर रिलेशन क्या होता है, नहीं कर पाते है तो केवल सही कौन सा होगा बच्चा केवल पहला वाला ही यहां पर क्या होगा सही होगा तो जिनका आंसर पहला वाला है वो डेफिनेटली पर बिल्कुल क्या है सही है शानदार जानदार ठीक है ना तो चलिए पर आपका पहला सही और दूसरा नौ दस पे क्लास यहां पर शुरू हुई है ना कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके चलते यहां पर ठीक है ना तो चलिए जल्दी से यहां पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो यहां पर कहूंगा लगा दीजिए अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझको बताइए कि वहां पर क्या डायग्राम बनेगा कैसे सॉल्व होगा बेटा क्वेश्चन चलिए जल्दी जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी यहां पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे क्या होगा चलिए जल्दी से यहां पर क्वेश्चन करिए दूसरा दूसरा क्वेश्चन यहां यहां पर बिल्कुल आ चुका है पे और जल्दी करके बताइए यहां पर क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताएंगे बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त तरीके से लोग यहां पर बिल्कुल यहां पर लगे हुए हैं बहुत बढ़िया मेरा गलत हो गया भाई कोई बात नहीं गलत होने के बाद ही तो सही होता है <laughs> देव टोली बहुत बढ़िया रोहित भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग

कुछ का रिलेशन है लेकिन ये जो रिलेशन है ना बच्चे ये किस किस चीज का है ओनली सम का है ओनली सम का है ओनली क्या करता है चीजों को डेफिनेट करता है चीजों को डेफिनेट करता है ठीक है ना तो चलिए पहला पार्ट यहां पर क्या पूछ रहा है पहला पूछ रहा है ऑल ई बी डीज अ पॉसिबिलिटी कहता है कि पूरा ई e जो है डी हो सकता है इसकी संभावना है मैंने कल ही आपको कल की क्विज में यह बात बताई थी कि सम न ओनली 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 फ्यू या सम के केस में फ्यू ही तो बोलते हैं ना बच्चे ओनली फ्यू के, के केस में जो रिवर्स ऑर्डर होता है उसमें जो आपका ऑल पूछा जाए तो वो क्या होता है कांट से होता है क्या होता है बच्चा कांट से होता है कल ही तो मैंने बताया है है कल ही मैंने बताया है? बिल्कुल तो तो यहां यहां पर पर पहला वाला कहता है, all be, being D. कहता है e, D है ऑल बी बीइंग डी डी सभी ई हमने बोला यहाँ पर क्या कांट कांट से से और can't की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी तो पहला वाला यहां पर क्या हो गया आपका कांट से मतलब क्लियर नहीं कह सकते और उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी सही हो जाएगी ठीक है ना फिर कहता है यहां पर ऑल डी एफ कहता है ऑल डी बी

रिवर्स में जो ऑल बोलता है मतलब ऑल बोले वो कांट से होता है और कांट से की क्या होती है? सही होती है। ये बात हो पा रही है चलिए तो बिल्कुल क्लियर यहां पर हो पा रही है है बच्चे ठीक है ना तो अगर बात करें यहां हाँ तीन दिन से क्लास नहीं लग रहा है ले रहा है ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता है ये प्रैक्टिस बच्चे बड़ी चीज है धोखा दे सकती है ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस आपको करना बड़ा जरूरी है चलिए यहां पर कितने लोगों का सही था एक बार जल्दी से बता दीजिए एक बार कितने लोग हैं यहां पर आंसर दोनों सही था क्योंकि ये क्वेश्चन ओनली फ्यू वाले ही मैं कराऊंगा सिलॉक्स क्वेश्चन में ओनली फ्यू वाले ही बेहतर कराऊंगा ओनली वाले कराऊंगा क्योंकि यही एग्जामिनेशन में एग्जिस्ट करेंगे यही एग्जामिनेशन में एग्जिस्ट करेंगे ध्यान रखिएगा ठीक है ना इसलिए ओनली और ओनली फ्यू को बेहतर तरीके से करते रहिए और सीखते रहिए ठीक है ना तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरह बच्चा ठीक है ना तो चलिए मैम अगला क्वेश्चन लगा दीजिए यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लगवा दिया अगला ठीक है ना फिर से एक क्वेश्चन यहां पर लगवा दिया जहां पर बात करेंगे फिर से फ्यू की ओनली फ्यू की देखते हैं मेरे सभी साथी यहां पे कितनी जल्दी यहां पर इसका आंसर दे पाते हैं सतर्क होके आंसर देना जिसने सिलॉक्स को बेहतर नहीं जाना हो वो चला जाए मेरी प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में चले जाना प्लेलिस्ट में वहां पर मेरा एक पड़ा हुआ है पूरा फोल्डर सिलॉक्स पढ़ना वहां पर पढ़ना सिलॉक्स आपको बेहतर सिलॉक्स मिलेगा पोस्टमार्टम के साथ जो आपको कभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया हमने वहाँ पर प्रूफ किया ठीक है ना जल्दी करें बच्चा आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा यहां पर आंसर जल्दी जल्दी बताइए यहां पर आंसर क्या होगा वेरी गुड बधाई पुरुषोत्तम भाई अप्रेंटिस केमिकल में हो गया है तुम फोन कर लो, फोन कर कर लो लो पे डिटेल से बात तुमको बता दिया जाएगा टेंशन ना लो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये ठीक है ना और अच्छी बात है ना बताइए यार बढ़िया है क्या दिक्कत है ज्वाइन ज्वाइन करिए पुरुषोत्तम भाई ठीक है है ना करो कोई भी दिक्कत नहीं अच्छा चलिए जल्दी से यहां पर जल्दी से यहां पर देखते हैं कितने लोग आंसर क्या आते ओनली सेकेंड आंसर की दरकार यहां पर हो रही है लेट्स सी यहां पर डायग्राम बनाएंगे फिर आपको हम सिखाएंगे क्या होगा एक्चुअली यहां पर आंसर तो लेट्स सी यहां पर क्या बोला पहला ओनली अ फ्यू मूवीज आर सिनेमा कहता है, ओनली मूवीज आर सनीमा भैया सनीमा हो गया ठीक है ना ओनली फ्यू लगा हुआ है क्या लगा हुआ है यहां पे? ओनली फ्यू लगा हुआ बच्चा इस बात को ध्यान में रखिएगा ओनली फ्यू लगा हुआ है उसके बाद कहता है यहां पर सम सिनेमा आर पार्ट कहता है कुछ सिनेमा यहां पर क्या है पार्ट है ठीक है ना अब ये क्या लगा हुआ है ये सम बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है बच्चा यहाँ पे सम बोला जा रहा है ठीक है ना फिर ये ओनली फ्यू है ये क्या है सम है दोनों में डिफरेंस है ध्यान रखिएगा ऑल पार्ट्स आर लाइफ कहता है सभी पार्ट्स यहाँ पर क्या है लाइफ है ये हो गया फिर कहता है नो मूवीज आर लाइफ कहता है कोई भी मूवीज कोई भी मूवीज लाइफ का पार्ट नहीं है बच्चा बोला गया यहां पे तो ये देखो ये और लाइफ से नो का रिलेशन है किसका मूवीज का लाइफ से नो का रिलेशन है बच्चा ध्यान से रखिएगा इसको क्या कहता है क्वेश्चन सम लाइफ बीइंग सिनेमा इज पॉसिबिलिटी कहता है सम लाइफ बींग सिनेमाइज पॉसिबिलिटी तो पहला देखो यहां पर क्या बोला गया लाइफ बीइंग सिनेमा इज अ पॉसिबिलिटी बच्चे यहां पर क्या बोला गया है समझो कहता है कुछ लाइफ सिनेमा है बच्चे यहां पर कह रहा है कुछ लाइफ सिनेमा यह बात तो डेफिनेट है ना यह बात तो डेफिनेट है ना और डेफिनेट की पॉसिबिलिटी क्या होती है रॉन्ग होती है क्या होती है रॉन्ग होती है बच्चे दूसरा वाला कहता है दूसरा वाला क्या बोला दूसरा वाला कहता है यहां पर क्या सम पार्ट आर मूवी कहता है सम पार्ट आर मूवी कहता कुछ पार्ट मूवी है इज अ पॉसिबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी यह संभावना है तो कहता है सम पार्ट आर मूवी कहता कुछ पार्ट्स यहां पर क्या है मूवी है बच्चे पार्ट का कहता है कुछ यहां पर मूवी है यह बात जो है डेफिनेट रॉन्ग है क्या है बच्चा डेफिनेट है जिन लोगों का आंसर यहां पर सेकंड आ रहा था एक बार बच्चा फिर से बात कर लेते हैं बच्चे ठीक है ना कहा गया है क्वेश्चन में कंक्लूजन uh, में क्या कहता है सम पार्ट्स आर मूवी बच्चा अभी अभी कहा गया है कि मूवीज का लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है नो no का रिलेशन है किसका रिलेशन है मूवी का लाइफ से नो का रिलेशन

क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पे गलत तो यहाँ पर क्या हो गया बोल साचे दरबार की जय अच्छा यहाँ पर क्या हो गया दोनों रॉन्ग हो गया रॉन्ग हो गया यहाँ पर आपने गलतियां करी आपको यहाँ पर लाइफ से आपके कंक्लूज आपके कथन में आपके स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया लास्ट कथन में कि कोई भी मूवीज आपका लाइफ नहीं है तो भैया लाइफ के अंदर का पार्ट भी कोई मूवी नहीं होगा तो वही कहता सम पार्ट आर मूवी कहता कुछ पार्ट मूवी है। अरे भैया जब कह दिया है कि कोई भी नो कनेक्शन तो बात गलत और गलत की संभावना हंड्रेड परसेंट क्या होती है गलत होती है बच्चा तो जितने लोग यहां पर जुड़ गए हैं फंस गए गया चलान यहां पर आप सभी, का पर, ना? सभी का चलान कटा हुआ है तो बच्चे बिल्कुल पुरुषोत्तम शर्मा वाई आर यू कंफ्यूज बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप एग्जाम पर के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करिए है ना दे विल सजेस्ट यू व्हाट शुड बी डू हियर डोंट वरी अबाउट इट ठीक है ना डोंट वरी आप करिए अभी तो क्लास में मैं बिल्कुल आपको समझा देता ठीक है ना तो so, चलिए कहता है यहाँ पर बच्चे क्या यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कहा गया है बच्चे क्या की Uh, यहां पर क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो साफ साफ लिखा हुआ है क्या हाँ सर ने पूछा कि ऑल मूवीज सिनेमा इज अ पॉसिबिलिटी क्या होगा uh, संदीप जी यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑल मूवीज सिनेमा इज द पॉसिबिलिटी क्या होगा बच्चे अभी अभी क्या बोला है ऑनली फ्यू कहा गया है केवल मूवीज का कुछ पार्ट ही सिनेमा होगा लेकिन आप अगर कहते हैं कि ऑल मूवी सिनेमा होगा तो डेफिनेट रॉन्ग होगा और उसकी संभावना भी डेफिनेट क्या होगी बच्चा रॉन्ग होगी यहां तक समझ में आ रहा होगा सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चा ठीक है ना तो चलिए आगे लगा दीजिए मैम आगे लगा दीजिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए यहां पे चलिए जल्दी बढ़ेंगे रहे हैं लाइक, तो है लाइक ला किया जल्दी से पहुंचाइए हंड्रेड मार के चलेंगे अपन आज हंड्रेड मार के चलेंगे ठीक है ना चलान कट चुका है सबका तैयार रहिए यहां पे चलान भरने के लिए ठीक है ना जल्दी से चलान यही भरना लाइक मार दो यार सीधी बात चलान भरना मतलब क्या लाइक मार दो चलिए जल्दी से यहां पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सॉल्व करने का पूरा कोशिश करिए आप ही हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेहतर बच्चा जल्दी सॉल्व करिए जल्दी से सॉल्व करिए आप बेहतर कर सकते हैं जल्दी वेरी गुड शानदार जबरदस्त हाँ अगर रिवर्स पूछ ले बच्चा कि यहां पर ऑल सिनेमा इज मूवी तो बिल्कुल बच्चे वहां पर पॉसिबिलिटी है वहां पर क्या है पॉसिबिलिटी है ठीक है ना तो चलिए तो यहां पर चलते हैं कहा गया है क्या का रॉन्ग सिक्स का बोथ रॉन्ग यहां पर आ रहा है लेट सी कितने लोग इसका आंसर सही सही दे पाते हैं सही सही दे पाते हैं ठीक है ना फिर से एक क्वेश्चन यहां पर ओनली फ्यू का शुभम सर लेके आए आप सभी के लिए यहां पर बचा ठीक है ना तो लेट सी कहता ओनली फ्यू इंजीनियर डॉक्टर कहा गया ओनली फ्यू डॉक्टर वॉट इंजीनियर तो लेट सी यहां पर कहा गया है यहां पर क्या हो जाएगा ओनली अ फ्यू मैम थोड़ा छोटा करिएगा

कुछ इंजीनियर क्या है बच्चे यहां पे नर्स है कुछ की बात हो रही है केवल कुछ की बात हो रही है सम की बात हो रही है फिर कहता है सम डॉक्टर्स सर केमिस्ट सब का सम डॉक्टर आर क्या बोला यहां पे केमिस्ट सम डॉक्टर आर केमिस्ट लो भैया यहां पर हो गया डॉक्टर आर केमिस्ट क्लियर है बात करिए यहां पे फिर कहता है नो नर्स आर केमिस्ट कहता है कोई भी नर्स केमिस्ट नहीं है यह बात समझ में आ गई धोखा ना खाना इस बार धोखा ना खाना इस बार और सही करना बिल्कुल ठीक है बच्चे तो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पहला कहते सम नर्स आर नॉट डॉक्टर्स कहता है यहां पर क्या सम नर्स आर Not डॉक्टर ये लिखा हुआ है कहता कुछ नर्स डॉक्टर नहीं है कुछ नर्स डॉक्टर नहीं है बच्चे यहाँ पर आप ये वाली बात जो कही गई है कुछ नर्स डॉक्टर नहीं है आप डेफिनेट नहीं कह सकते हो दैट्स वाय कांट से और कांट से फाइनली क्या हो जाता है आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है भाई कोई भी कुछ नर्स कहता है डॉक्टर नहीं है आप डेफिनेट नहीं कह पा रहे हो यहां पर क्या बोल देते हो कांट से और कांट से फाइनली क्या हो जाता है रॉन्ग दूसरा कहता है बच्चे यहां पर क्या सम केमिस्ट आर नॉट इंजीनियर कहता है सम देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सम केमिस्ट आर नॉट इंजीनियर ये यहां पर कहा गया है बच्चा ठीक है ना अगर हम बात करें तो क्या बोला है कहता है केमिस्ट का कुछ पार्ट इंजीनियर नहीं है दिस इज नॉट डेफिनेट केस दिस इज नॉट डेफिनेट केस बच्चा यहां पर समझना होगा यहां पर बिल्कुल समझना होगा कैमिस्ट का इंजीनियर से कोई भी डेफिनेट रिलेशन यहां पर नहीं बन रहा मतलब क्या होगा कांड से मतलब क्या हो गया रॉन्ग यहां पर बच्चे क्या होगा दोनों गलत होगा बिल्कुल सही आंसर है काबिल तारीफ आंसर है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं मैडम अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपका यहां पर आएगा एक सिटिंग uh, अरेंजमेंट का जहां पर वेरिएबल भी गिवन होंगे चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए मैम चाहे हमें थोड़ा सा कम करना पड़े चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए आपके पास है मात्र तीन मिनट जल्दी करेंगे मात्र तीन मिनट जल्दी करिए सिटिंग अरेंजमेंट विद वेरिएबल जल्दी से खत्म करिए देखते हैं कितने यहां पर नौजवान कितने यहां पर लोग इसको कर पाते हैं यार ठीक है ना देखते हैं कितने लोग इसे बना पाते हैं यहां पर मैं बता दूं जल्दी से यहां पे आ, हिंदी में मैं लगवा देता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद यहां पर फिर मैं यहां पर इंग्लिश लगा दूंगा जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने एहसास एसएसआर वाले बैच में पीडीएफ नहीं दिए अच्छा अच्छा तो मैंने एक्स वाई वाले में वाई वाले में तो दे दिए यार अच्छा जावेद सिंह मैं अभी इसको रीचेक करवा लूंगा यार अभी अपने ही ऑब्जर्वेशन में मैं इसको भी चेक करा लूंगा कल संडे पड़ा हुआ पूरा तैयारी कर लेना पर, पूरा कर लेना ठीक है ना तो चलिए हाँ जी मैम लग गया चलिए अब यहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाएंगे जितने भी यहां पर जुड़े हुए यहां पर सर और मैडम जितने भी यहां पर नौजवान जुड़े हुए जल्दी से यहां पर लगाएंगे ये वक्त तुम्हारा है तुमसे कोई छीन ना सकता ध्यान रखना एग्जामिनर को छोड़ के प्रैक्टिस धुआधार करिए आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता प्रैक्टिस धुआधार करिए जल्दी से करिए यहां पे। जितने लोग हैं उन्हीं को मुझे यहां पर पढ़ाना है उन्हीं को मुझे सिखाना है, उन्हीं को मुझे सेलेक्ट कराना है यार ठीक है ना जल्दी करेंगे हिंदी बच्चा आ गया कमलेश हिंदी आ गया स्क्रीन शॉट लेके उसको जूम 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 कर लेना ठीक है ना चलो जल्दी से हाँ ओके जावेद है ना चलो बढ़िया आठ P Q R S केंद्र के चारों ओर गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए ठीक है ना कहा गया लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं चार दोस्त मुंबई में रहते हैं जबकि चार दिल्ली में रहते हैं और दो दोस्त जो पर्टिकुलर मुंबई में तत्काल अगल बगल नहीं बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं ठीक है ना चलिए जो जो कहता जाए जब वो करते जाए जल्दी से बताइए यहां पर हो गया क्या उड़ा दी जा जाने वालों यही तो मौका है यहां पर सीखने का यही तो मौका है यहाँ पर सीखने का जहां देखिए पदल वही भागना शुरू कर दिए अरे यार तुम डरते हो क्या डरना नहीं है पदल से डरना नहीं है पदल को उड़ाना है डन प्राजक्ता का सबसे पहले डन वेल डन बच्चे बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त देव टोली यादव जी का डन शानदार अश्मिता जयसवाल का भी डन वेरी गुड बहुत बढ़िया बच्चे शानदार आप बहुत अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली आप मुझे यहां पर जिस दिन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा आप मुझे खुद कॉल करोगे यार मुझे पता है ठीक है ना क्योंकि आप बेहतर कर रहे हैं और आपका होगा डैट डेट्स वाई आई एम टेलिंग यू टू ऑल ऑफ यू हाँ ओ मुंबई प्राजक्ता जी का यहां पर आने लगा ओ मुंबई वेल वैर डन वेरी गुड चलिए मैं सिखाता हूं मैं बनाता हूं जिसका बन गया हो बहुत बढ़िया नहीं बना हो तो सीख लेना बच्चा यही मौका है सीखने का तो चलिए यहां पर मैं आपको सिखाता हूं कैसे यहां पर उसने कहा है ठीक है ना तो चलिए मैम केवल इंग्लिश में लगा दीजिए चलिए आप छोटा कर दो इंग्लिश में लगा दो चलिए जल्दी से यहां पर कह रहा है? हैं फ्रेंड्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बच्चे कहा हुआ है क्या कहा हुआ है यहां पर कि आठ दोस्त हैं एक सर्कल में बैठे हुए हैं और सभी लोगों का फेस कहां है केंद्र की ओर है बच्चा फिर कहा गया सबसे पहली लाइन यहां पर कि चार लोग बैठते हैं मुंबई में और चार लोग यहां पर बैठते हैं दिल्ली में ठीक है ना नो टू फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई कोई भी मुंबई वाले दो अगल बगल ना बैठेंगे ऐसी कोई व्यवस्था ना है बच्चा ठीक है तो पहला फिर कहता है लाइन यहाँ पर क्या लाइन कहता है यहां पर ओ स्टेज इन मुंबई ओ कहां पर रहता है बच्चा मुंबई में रहता है ऐसा बताया गया है ठीक है नाइक oh ठीक यहां लिख देता हूं अब इसे ओ कहा रहता है मुंबई में रहता है कहा रहता है मुंबई और दो मुंबई वाले अगल बगल नहीं बैठ सकते ठीक है ना दो ज्ञानी व्यक्ति अगल बगल नहीं बैठ सकते ठीक है ना तो समझना बच्चे यहां पे कहता है ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर कहा गया है ओ कहां पर बैठा हुआ है थर्ड टू द राइट ऑफ आर बैठा हुआ है अब यहां पर फिर आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है Uh, आगे लिखा हुआ है पर इसको बना सकते हैं क्या बना देते हैं ओ सिटिंग थर्ड थर्ड द राइट राइट ऑफ़ आर। आर के right पर ओ बैठा हुआ है डेफिनेट बैठा दिया पी स्टेज इन मुंबई बच्चे कहा है पी कहां पर बैठेगा मुंबई पी कहां पर है मुंबई बिल्कुल बना दिया फिर कहता है पी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू कहता है यहां पर क्या P is sitting second टू द लेफ्ट ऑफ Q. ये कहा गया हमने यहां पर बना लिया क्योंकि ना यहां पर P है ना यहां पर Q है फिर आगे बढ़ते कहता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस का आया यहाँ पर क्या केवल एक ही व्यक्ति पी और एस के बीच बैठता है बच्चे एक बात समझना केवल एक ही व्यक्ति पी एस के पीछे बैठता है तो भाई एस यहां तो बैठेगा नहीं क्योंकि यहां पर तो क्यों बैठा है तो एस कहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ये 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 तीनों समझ गए लाइन लाइन से से आने वाले हैं। ये से आने वाले वाले हैं हैं मैंने यहां पर इसको रख दिया फिर कहता है एल इज नॉट नेबर ऑफ एस एक काम करो बच्चा शुरुआत यहां से करो क्योंकि आगे इससे कोई लिंक ना मिल रहा इससे आगे कोई लिंक नहीं मिल रहा शुरुआत कहां से कर दो जहां से लिंक मैक्सिमम मिल रहा हो यहां पर रख दो किसको पीछे पी को रख दिया पी के इधर जो है आपका कौन है क्यू आ गया कौन आ गया क्यू आ गया क्यू के सेकंड लेफ्ट पी है और पी के सेकंड तो कहा हो सकता है यहां, यहां, और यहां हो सकता है उसके बाद कहा गया एस मेनी फ्रेंड बिटवीन एल एंड एन कहा गया एल और एन के बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग यहाँ पर किसके बीच बैठे हुए हैं यहां पर एल और आर के बीच बैठे हुए क्लियर हो पा रही बात की हो पा रही है अब एक बात को समझना इससे ऊपर उसने एक बात आपसे ये कही है कौन सी बात कही है क्या कि ओ ओ ए सिटिंग हाँ। भाई। ओ एस ओ एस सिटिंग टू द राइट ऑफ आर यहां पर क्या हुआ बात समझना अच्छी तरीके से यहां पर शुरू होती कहानी ठीक है ना तो सिंपल से प्रोसेस में आपने यहां पर क्या करना है आपने यहां पर यह देखना है कि मुंबई मुंबई वाले अगल बगल ना बैठेंगे ओ मुंबई से है और पी कहां से है मुंबई इससे क्या मिल गया इससे यह मिल गया कहा था दो मुंबई वाले अगल बगल नहीं बैठेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा इसका मतलब हो जाएगा यह मुंबई तो यहां पर क्या हो जाएगा दिल्ली ठीक है ना यहां पर क्या हो जाएगा दिल्ली यहां पर क्या हो जाएगा मुंबई यहां पर क्या हो गया बिल्कुल उड़ाते चलिए यहां पर क्या हो गया मुंबई क्योंकि आपने जहां भी छोड़ दिया वहीं अगल बगल बैठ जाएंगे मुंबई वाले और मना किया है मुंबई वाले अगल बगल नहीं बैठेंगे अब आ जाओ यहां पे अब सॉल्व हो जाएगा चीजें यहां पर बिल्कुल कहा गया था क्या कहा गया था पी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू अब पी जो है ना आपका पर्टिकुलर कहां पर क्यू में तो हमने यहां पर बैठा ली दिया था उससे सबसे पहले लाइन यहां पर क्या कही इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर थर्ड टू द राइट ऑफ आर अब एक बात समझो यहां पर ठीक है ना कि ओ कहां बैठ सकता है आर के रिस्पेक्ट में यही बात है ना यहां पर देखो यहां पर मैं सिखा देता हूं यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां पर आप यह देख पा रहे हो कि ओ जो है वो आपका यहां 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 कहीं भी आ सकता है अब यहां पे जब यह लिखा है हमने कि ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा अब आर को अगर तुम अगर आर को तुम कहां रखते हो अगर आर को आप कहां रख देते हो यहां रख देते हो माना कि अगर रख के देख लिया यार ठीक है ना तो थर्ड कॉन है राइट ओ तो भाई एक दो तीन ओ आ तो जाएगा लेकिन ओ कहां से बच्चा मुंबई से इसका मतलब आर यहां पे नहीं आ पाएगा ये पहली बात क्लियर हुई बैठा तो एक दो तीन यहां पर एस बैठा हुआ बिल्कुल नहीं आएगा आर यहां पे। तो बच्चा इस तरह से एलिमिनेट कर लेते हैं आर को अगर आप कहां बैठा लेंगे आर को अगर आप यहां बैठा लेंगे तो वन टू थ्री बैठा है क्यू बैठा हुआ है क्लियर हो गया क्लियर हो गया आर का रिजर्वेशन क्लियर हो गया पहले वेटिंग में था एक दो तीन यहां पर कौन हो गया बच्चा ओ और ओ कहां से है मुंबई से है और आपका आर कहां से हो गया दिल्ली से हो गया अब यहां पर कौन बचा है वो आप चेक कर लो एक बार यहां पर कौन बचा हुआ है आ, एल और आर के बीच कहा गया है तो यहां पर देखो आर है ठीक है ना एल और एन के बीच उतने ही लोग हैं जितने एल और आर के बीच में है कोई दिक्कत यहां पर नहीं है तो आर अगर यहां पर है तो एल को कहा मान सकते हो एल को यहां मान सकते हो बात समझना मानने की है तो एल और आर के बीच कितने एक है तो एल और एन के बीच यहां पर कितने हो जाएंगे पर एक हो जाएंगे हो गए और एक बात ये भी देख लो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है अगर तुम एल को कहां रखते हो अगर तुम एल को कहां रखते हो यहां रखते हो बात समझना ठीक है ना तो एल और आर के बीच कितना एक है एल और एन के बीच यहां पर कितना हो जाएगा अब बात आती है कि हम यहां पर एक पॉइंट लिख रहे हैं यहां पे कि एल एस का पड़ोसी नहीं है मतलब एल एस के बगल में नहीं आएगा तो एल कहां पहुंच गया भाई साहब यहां और यहां पर क्या बाकी रह गया देख लो बच्चे क्या बाकी रह गया पी क्यू आर और कौन बाकी रह गया एल एम एन ओ एल एम बाकी रह गया एनओ बस यहां पर सब बातें क्या हो गई क्लियर हो गई क्या कहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में कहा है बच्चे यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन की बात यहां पर पूछी है कि निम्नलिखित पांच में से मैम क्वेश्चन लगा दीजिएगा क्वेश्चन लगा हुआ है इसमें निम्नलिखित में से पांच में से चार दिए गए व्यवस्था के आधार पर एक निश्चित तरीके में से एक जैसे हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं निम्नलिखित में कौन सा है उस समूह में संबंधित नहीं है तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा एन एम ओ एल और आर कहता है एन एम ओ एल आर समझना एन क्या है यहां पर बच्चे डेली ठीक है ना एम यहां पर क्या है बच्चा यहां पे डेली यहां पर क्या है आपका देखिएगा मुंबई एल यहां पर क्या दिया हुआ है आपका दिल्ली आर क्या दिया हुआ है डेली मतलब ओ कहां से है मुंबई तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा ओ हो जाएगा यहां पर आप सभी का आंसर बिकॉज ओ इज वॉट ओ इज डिफरेंट वन चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जितने लोग बन, का, बन पाया तारीफे काबिल है जितने लोग बन पाया तारीफे काबिल है चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर छोड़ दो थो, छोड़ दो थो। चलिए जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन करिए लगा। जल्दी से यहां पर हिंदी वाले लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से हिंदी वाले लोग यहां पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर इंग्लिश लग जाएगा यहां पे। करिए जल्दी करिए जल्दी से जल्दी से यहां पर नोट डाउन करिए इसको ये तो पूरा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लगा रहे हैं तो। जल्दी से करिएगा क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है आठ लोग हैं जे के एल एम एन ओ पी आ, सिटिंग अराउंड तो सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी सभी एक ही क्रम में होंगे ऐसा कुछ क्लियर नहीं है यहां पे जल्दी से उड़ाते चलो जल्दी से उड़ाते चलो इसको बच्चा जल्दी करेगा जल्दी से क्वेश्चन को यहां पर उड़ा दो यार जल्दी से क्वेश्चन को यहां पर उड़ा दो उसी में तुम्हारी जीत है वरना हारना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है जल्दी से यहां पे। चलिए देखिए क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने का तरीका यहां पर क्या होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया था यहां पर वेरी गुड अस्मिता जायसवाल जी का डन बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करती है मैडम बहुत बढ़िया शानदार जिसमें तो कहा गया तीन लोग बाहर देख रहे हैं पांच लोग कहां देख रहे हैं अंदर देख रहे हैं चलिए मैम क्वेश्चन को इंग्लिश में केवल लगा दीजिए चलो बच्चे आगे बढ़ते हो यहां सिखाता हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना एक बार ठीक है ना देखिएगा यहां पर कहा गया आठ व्यक्ति कहा गया यहाँ पर कितना आठ व्यक्ति जेके आई जी कहला मैंने एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे तो लो बच्चा यहां पर हमने इसको यहाँ पर बना लिया ठीक है ना यहां पर हमने इसको ऐसा

और एक बार मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जहां कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर हैं, वहां पर आप दो डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना तो एक को के बार एक के को एक राइट ऑफ के एम right के के दाय तीसरा वन टू थ्री यहां पर एम आ गया एक बार वन टू थ्री यहां एम आ गया क्योंकि नीचे फेस किया हो बच्चा ठीक है ना फिर कहता है एन इज सिटिंग ऑफ एम कहता है नहीं बैठ सकता है ऐसा इंतजाम करो कि वन टू थ्री यहां बैठ जाए क्लियर है बात करें यहां पर तो अब एम का फेस क्या करना पड़ेगा एम का फेस लेफ्ट अगर दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा अंदर करना पड़ेगा तो एन कहां होगा एम के बाएं तीसरा तो एक दो तीन यहां पर कौन हो गया एन हो गया कौन हो गया एन हो गया इसके कॉर्ड

और ओ एन के दाए तीसरा बैठा हुआ है ओ एन के दाए तो अगर देखा जाए ओ एन के दाए तीसरा बैठा है तो यहां पर एक दो तीन क्या ओ आ पाएगा नहीं आ पाएगा तो कहां पर करना पड़ेगा यहां करना पड़ेगा तो एन का फेस कहां करना पड़ा बाहर तो एन का दाए तीसरा एक दो तीन यहां पर कौन आ गया ओ यहां पर देखो एक दो यहां पर एक दो तीन हो नहीं पाएगा ठीक है ना तो एन का फेस कहा करना पड़ेगा? अंदर तो यहां होगा दाएं एक दो तीन हो गया o. कहा गया था ओ एन के दाएं तीसरा बैठा हुआ है तो आपने फेस अंदर करना पड़ेगा उसके बाद बच्चे फिर यहां पर क्या कहा गया है कहा गया है बच्चे यहां पर क्या कि जो केंद्र का सामना नहीं कर रहा है मतलब जो एन है आपका ठीक है ना यहां पर कहा गया जो एन है वो केंद्र का के सामना नहीं कर रहा है तो मतलब आई right के थर्ड टू द राइट बैठा हुआ ये तीन प्लेस यहां पर बाकी है तीन प्लेस यहां पर बाकी है कैसे यहां पर चीजों को आप करेंगे बेटा एक बात समझो यहां पर क्या कहा गया था उसने यहां पर कहा गया था लेकिन कहा गया क्योंकि एन सेंटर की तरफ नहीं देख रहा है ऐसा उसने यहाँ पे कहा है और ओ को यहां लाना है तो इसको अंदर करना पड़ेगा अब बाकी कौन सा पॉइंट रहेगा आपका कहता है एल इज सिटिंग थर्ट टू द राइट ऑफ आई जो एल है आई के, के दाए क्या है बच्चे तीसरा है जो एल है I के दाय क्या है तीसरा है अब एक बात समझना कहा था कितने लोग बाहर देख रहे हैं तीन लोग बाहर दिख रहे हैं तो ये बाहर हो गया ये बाहर हो गया ये बाहर हो गया बाकी सब कहां हो जाएंगे बाकी सब कहां हो तो तो जाएंगे जाएगा है है अगर आय को तुम यहां रखते फिर दाएं तीसरा एक दो तीन यहां आ नहीं पाता आय को तुम यहां रखते एक दो तीन यहां पर आ पाता मतलब आय को यहां बिल्कुल ठीक रखा गया है उसके बाद क्या बाकी रह गया आई जे के एलेवन क्या बाकी रह गया आय जे के एल एम बाकी रह गया एम यहां पर आ गया जय हिंद जय जै भारत काम खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व ठीक है ना क्वेश्चन सॉल्व कितने लोग यहां पर बनाया कितने लोग यहां पर बनाया जल्दी बता दीजिए यहां पर यहां पर आपको बता दू मैं कितने लोग का बनाया सही तीन लोग बाहर देख रहे थे तो कौन कौन बाहर देख रहा है एनवार है ओ वार दिख रहा है के वार दिख रहा है ठीक है ना एम जे ओ एल पी एम जे ओ एल पी यहां पर क्या दिख रहा है यहां पर क्या दिख रहा है एक बार फिर से मिला लेते हैं यार कहां पर प्रॉब्लम कमी रह गई ठीक है ना यहां पर स्टार्टिंग से मिलाते हैं कहता है एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ के एम के के दायत तीसरा है तो यहां पर हो गया ठीक है फिर कहता है ओनली थ्री पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड जे एन और जे के बीच में तीन लोग आ गए फिर कहा गया ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन ओ एन के थर्ड टू द राइट है बिल्कुल यहां पर आ गया ठीक है ना फिर कहा गया यहां पर क्या और फिर उसके बाद कहा गया है

और कौन रह गया यहां पे पी तो आ, आ, क्या कह रहेगा आई अच्छा एम दो बार लिख गया पी यहां पर हो जाएगा सॉरी जो बाकी रह गया वो यहां रह गया जो बाकी रह गया वो यहां रह गया एन पी आई एम एन पी ठीक है एक मिनट रुकिएगा एल इज फेसिंग द राइट ऑफ फाइव बेटा यहां पर जो एल है ना वो ये जो आई है वो बिल्कुल सही रखा हुआ है आई बिल्कुल सही रखा हुआ है आई सही रखा हुआ कोई भी इशू नहीं है यहां पर ठीक है ना अच्छा यहां पर ये यह कह, कह, uh, uh, right of... अच्छा, यह कह रहे हो क्या कि यहां पर आई को रख के आप कह रहे हो यहां पे कि इलास वाली लाइन रहा है क्या इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अच्छा ये कह रहे हो यहां पर आई रख के यहां पर एल रख दो ऐसा कह रहे हो आप ठीक है ना तो ये कर दिया और यहां पर क्या बाकी रह गया आपका पी बाकी रह गया ऐसा कुछ हाँ ये भी स... ये सही है ठीक है ये सही है ठीक है ठीक है चलो आज इतने रखते हैं बाकी जो कंफ्यूजन है आपके है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे बिल्कुल यार ठीक है ना तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे क्योंकि सर तुम्हारे यहाँ पर आ चुके हैं उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक है ना हाँ बिल्कुल यहाँ पर ठीक है ना ये आपका मैंने पर रख दिया है बाकी फिर हम लोग बात करते हैं जो भी कंफ्यूजन जिसके रह जाएंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर वाली क्लास में ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही मंजी सर यहाँ पर पधार चुके हैं मैथ्स के महागुरु और आपको यहाँ पर सिखाएंगे मैथ्स में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है ठीक है ना आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास में थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर